हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट एंजल ऑनलाइन क्लासेस। वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आइंस्टीन का मैथमेटिकल इक्वेशन देखा था और उसके बेसिस पे हमने लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में बच्चों, सबसे पहले हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आइंस्टीन इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। That is new. तो बच्चों, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो लिख लेते हैं। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कहता है बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नो। और के मैक्स को क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में क्या हो जाएगा, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और एच न्यू नॉट क्या होता है बच्चों, वर्क फंक्शन। सो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ। अगर हम यहाँ से वी नॉट कैलकुलेट करें तो वी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइ अपॉन ई। तो बच्चों, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप। इट इज क्लियर दैट वी नॉट इक्वल टू एच बाय ई न्यू माइनस फाइ बाय ई। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों। आपको वी नॉट और न्यू के बीच में प्लॉट करना है कर्व। तो सबसे पहले हम एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन का रिलेशन है। y इक्वल टू एम एक्स माइनस और प्लस c, इस ये रिलेशन से है। वेयर y की जगह क्या है यहाँ पे, v नॉट, m की जगह क्या है बच्चों, h बाई ई, x की जगह क्या है न्यू, और c की जगह क्या है फाइव बाई। तो बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस c में y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो एक्स पे डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है। एम क्या है बच्चों, स्लोप है वाई और एक्स के बीच का कर्व का। और यहाँ एच बाई ई क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप। इट मीन्स अगर हम वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन ई। और C क्या होता है बच्चों, तो C होता है यहाँ पे Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट। M क्या बताया मैंने, तो M होता है बच्चों स्लोप ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप और लाइन। लीनियर इक्वेशन होगा ना, लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा ग्राफ, तो उस ग्राफ का स्लोप है M। C क्या बच्चों, y इंटरसेप्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो y के जगह v नॉट है, x के जगह न्यू है। और y इंटरसेप्ट क्या बच्चों, माइनस फाइव अपॉन ई। माइनस फाइव अपॉन ई क्या इंडिकेट करेगा कि जो y इंटरसेप्ट ये ग्राफ करने वाला है वो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में करने वाला है। तो कंसीडर दिस इज माइनस फाइव अपॉन ई। मान लो यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा
माइनस पाई अपॉन ई, पहले हम बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस पाई अपॉन ई। माइनस पाई अपॉन ई का मतलब यहाँ से अगर ये ओरिजिन कंसिडर करें तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों पाई अपॉन ई हो गया। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो जिसका स्लोप क्या हो m हो और जिसका y इंटरसेप्ट क्या है माइनस पाई अपॉन ई। यहाँ जो स्लोप है बच्चों वो पॉजिटिव स्लोप है ना, बिकॉज h भी पॉजिटिव होता है, e तो कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 90, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस टाइप का प्लॉट होगा। मैंने यहाँ डॉट लाइन क्यों दिया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, किसके किसके बीच का ग्राफ है, ये वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच का, और ये है वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई अपॉन ई का ग्राफ। अगर हम एक्स या यहाँ ये पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी अगर वो कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो। इट मींस अगर आपको ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन में क्या रखना होगा, इस इक्वेशन में v नॉट की जगह जीरो पुट करना होगा। ये तो आपको पता होगा कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यहाँ x क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी और y क्या है v नॉट। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन में v नॉट को जीरो करना होगा। मान लो बच्चों ये पॉइंट है ए, सो फोर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगर ए का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो पुट v नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट यानी v नॉट तो जीरो है। अब इस इक्वेशन में v नॉट जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम वन जीरो इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई। इसे हम सॉल्व करें तो एच न्यू बाई ई इक्वल टू फाइव बाई ई, फाइव ई से ही कैंसिल, यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फाइव अपॉन एच, और फाइव क्या होता है बच्चों, तो न्यू इक्वल टू फाइव क्या होता है एच न्यू नॉट अपॉन एच, एच से एच कैंसिल। इसका मतलब यहाँ न्यू की वैल्यू क्या है न्यू नॉट, इट मीन्स बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये हो जाएगा आपको न्यू नॉट कॉमा जीरो, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इस पॉइंट पे जीरो होगा। इट मीन्स बच्चों यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है अगर हम इस कर्व के लिए कहें तो वो क्या हो जाएगा न्यू नॉट। अब बच्चों यहाँ डॉट लाइन देने के पीछे रीजन यही है कि अगर यहाँ के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से, इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू नॉट, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है तो फिर तो इमिशन होगा और कुछ ना कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अप्लाई करना होगा टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 600 से कम होती है तो उस कंडीशन में इमिशन ही नहीं होगा, और इमिशन नहीं हुआ तो कोई भी स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की नीड नहीं है। दैट्स वाई हम जो इसके इधर ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बिकॉज इस रीजन में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नॉट अकर्स। क्यों, क्योंकि बच्चों इस रीजन में जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से कम होगा, इसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, v नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच के कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से कंपेयर करें तो स्लोप क्या है h by e,
दैट इज स्लोप हो जाएगा आपको, जिसे हम m से जनरली डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा h by e। और स्लोप क्या होता है बच्चों, तो ये होता है टेंजेंट ऑफ एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑन फ्रीक्वेंसी एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एक्सिस से टेंजेंट कितना एंगल फॉर्म करेगा, उसी एंगल का जो टेंजेंट होता है उसे हम स्लोप कहते हैं। इसका मतलब बच्चों कि स्लोप जो है वो h अपॉन e पे डिपेंड कर रहा है, और h भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। इट मींस हम अगर कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। लेकिन उस ग्राफ की एक खासियत ये होगी कि उस ग्राफ का स्लोप सेम होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप डिपेंड करता है एच और ई पे। दैट्स व्हाई द ऑल द ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड न्यू ऑलवेज हैज सेम स्लोप। अब बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ही, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल के लिए। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वीओ एंड न्यू फॉर टू डिफरेंट मेटल प्लेट हैविंग फ्रीक्वेंसी, सॉल्व फ्रीक्वेंसी आर न्यू नॉट वन एंड न्यू नॉट टू, हेयर न्यू नॉट वन ग्रेटर देन न्यू नॉट टू। तो बच्चों ये रिलेशन गिवन है, हमें वही ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और पता हमें कि वो लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन गिवन है क्वेश्चन में कि फर्स्ट मेटल सरफेस का जो सेसॉल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है सेकेंड मेटल प्लेट की सेसॉल फ्रीक्वेंसी से। तो हम सबसे पहले एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। तो दोनों के बीच में कर्व कैसे कैसा होने वाला है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन कर्व होने वाला है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और दोनों कर्व जितने भी हम ग्राफ वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे ना बच्चों, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों होंगे पैरेलल? क्योंकि स्लोप हर स्ट्रेट लाइन का सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, एच अपॉन ई के इक्वल होगा। कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ क्लियर है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इट मीन्स ये जो सेसॉल फ्रीक्वेंसी होगा वो म्यू नॉट टू का होगा, क्योंकि म्यू नॉट टू कम है, म्यू नॉट वन ज़्यादा है। और यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, सॉरी सेसॉल फ्रीक्वेंसी होगा, वो म्यू नॉट वन होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये जो है आपको फर्स्ट मेटल सरफेस के लिए, मेटल के लिए ग्राफ है वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और ये सेकेंड मेटल सरफेस के लिए ग्राफ है वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अच्छा, ये इंटरसेप्ट पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट इंडिकेट करेगा फाई अपॉन ई की वैल्यू, किसके लिए? ये सेकेंड के लिए, इट मीन्स फाई टू अपॉन ई की, यानी वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशियो को इंडिकेट करेगा फोर सेकेंड मटेरियल। और ये क्या इंडिकेट करेगा? तो ये वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगा फोर फर्स्ट मटेरियल। यहाँ से भी क्लियर है बच्चों, दोनों रेशियो ये तो कांस्टेंट है दोनों में, तो यहाँ से भी क्लियर है इस ग्राफ से कि वर्क फंक्शन जो होगा वो सेकेंड मेटल प्लेट का कम होगा और वर्क फंक्शन फर्स्ट मेटल प्लेट का ज़्यादा होगा। सो दिस इज द कर्व बिटवीन वी नॉट
and nu for two different material in such way nu naught 1 greater than nu naught 2. Now student, we will draw a curve between maximum kinetic energy and frequency. यानी मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी. बच्चों इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ हैं सारे के सारे ग्राफ इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे आते हैं. मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी of incident photon, that is mu. तो सबसे पहले बच्चों हम kinetic energy और frequency के बीच में relation लिख लेते हैं. So according to Einstein equation we know that maximum kinetic energy क्या होता है बच्चों, h nu minus nu naught. ऐसे लिखे तो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एच न्यू नॉट किसके इक्वल होता है बच्चों, फाई यानी वर्क फंक्शन. मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई. सो स्टूडेंट हम मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो एज इट इज ये सॉल्व एज इट इज ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व था वैसे ही इसका भी रिजल्ट आने वाला. तो बच्चों ध्यान से देखें तो y अगर हम कंपेयर कर ले लीनियर इक्वेशन से तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी. तो बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग देखें तो y के जगह यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी. x के जगह क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी. और इस इक्वेशन से क्लियर है कि इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, वो h के इक्वल होगा. इट मीन्स स्लोप बिटवीन मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ किसकी वैल्यू देता है बच्चों, गिव्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दैट इज एस सॉरी एच. इट मींस मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व होगा उस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा. ठीक है, और एच क्या है, किसी भी मटेरियल से इंडिपेंडेंट है. दैट्स व्हाई हम किसी भी मटेरियल के लिए अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हर ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, एच होगा. इट मीन्स जितने भी लाइंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. और वाई इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, माइनस फाई. तो सेम हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, वाई इंटरसेप्ट फाई डिस्टेंस दैट इज माइनस फाई जीरो कॉमा माइनस फाई अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो. और कैसा ग्राफ होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एच भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है. फिर इससे इधर क्या हो जाएगा, डॉट लाइन जो होगा डॉट लाइन. फिर से हम समझते हैं तो बच्चों अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो, इस इक्वेशन में मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी को जीरो पुट करो क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है. तो फोर कोऑर्डिनेट ए पुट मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो. अब अगर हम इस इक्वेशन में जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव. इट मीन्स एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव. एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई क्या होता है बच्चों, एच न्यू नॉट. एच से एच कैंसिल, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू नॉट. इट मीन्स बच्चों कि इस पॉइंट पे जो न्यू की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, इसके इक्वल होगी 600 फ्रीक्वेंसी के. तो इससे क्लियर है बच्चों कि अगर पॉइंट ए से हम लेफ्ट की तरफ आए तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो न्यू नॉट से कम होगा. और न्यू नॉट से कम में इमिशन होता ही नहीं, और जब इमिशन नहीं होगा तो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी k
ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डॉटेड लाइन से शो करेंगे। आफ्टर ए पॉइंट के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में कुछ ना कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बच्चों अगर एक और स्टेट लाइन हम ड्रॉ कर ले, इस ग्राफ से आप आसानी से बता सकते हो कि दोनों में से किस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है। तो सेकेंड मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, ज्यादा है। फर्स्ट मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मेटल प्लेट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मेटल प्लेट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन सेकेंड मेटल प्लेट का ज्यादा होगा और वर्क फंक्शन फर्स्ट मेटल प्लेट का कम होगा। नाउ स्टूडेंट, एक ग्राफ गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अलग अलग इंटेंसिटी के चार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, यानी चार डिफरेंट लाइट इंसिडेंट किया गया जिसका वेरिएशन गिवन है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इस ग्राफ को देख के आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इन टर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमें बताना है। तो कंक्लूजन बताना है आपको फ्रॉम ग्राफ। वैसे बच्चों ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप तो कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस लाइट के लिए या किस रेडिएशन के लिए इंटेंसिटी ज्यादा होगा, किस रेडिएशन के लिए इंटेंसिटी सेम होगा, मगर हम इस कंक्लूजन में सारे की सारी चीजों को डील कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये पुट आउट होता है कि x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए और y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो याद करो बच्चों, ये जो ग्राफ होता था तो इस ग्राफ में x एक्सिस पे क्या होता था, कलेक्टर पोटेंशियल। एक्सिस पे क्या होता था, कलेक्टर पोटेंशियल। y एक्सिस पे क्या होता था बच्चों, फोटो करंट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि x एक्सिस पे कलेक्टर पोटेंशियल होना चाहिए और y एक्सिस पे फोटो करंट होना चाहिए। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो सेकेंड और फोर्थ दोनों लाइट के लिए जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम है, और इंटेंसिटी सेम है इसका मतलब सैचुरेशन करंट भी सेम होगा। और फर्स्ट और थर्ड ग्राफ के लिए बच्चों इंटेंसिटी सेम है। इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड के लिए जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी सेम होगा, लेकिन सेकेंड और फोर्थ से ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम सैचुरेशन करंट का ऑर्डर लिख लेते हैं। सैचुरेशन करंट जो बच्चों होगा आई एस सेकेंड के लिए जो होगा वो इक्वल होगा आई एस सैचुरेशन करंट फॉर फोर्थ, लेकिन ये कम होगा किससे, सैचुरेशन करंट फॉर फर्स्ट। और सैचुरेशन करंट और फर्स्ट किसके इक्वल है, सैचुरेशन करंट ऑफ थर्ड। तो ये है बच्चों सैचुरेशन करंट का ऑर्डर। अगर इंटेंसिटी का ऑर्डर देखें, बच्चों तो इंटेंसिटी आई वन जो होगा वो कम होगा क्योंकि इस कंडीशन में फोटो करंट या सैचुरेशन करंट कम है। आई टू क्या है, ज्यादा है क्योंकि यहाँ फोटो करंट ज्यादा है। तो आई वन जो होगा, अगर इंटेंसिटी की बात करें तो आई वन लेस देन आई टू, और आई वन किस किस रेडिएशन की इंटेंसिटी है, तो सेकेंड और फोर्थ की रेट, और आई टू किस किस रेडिएशन के लिए है, फर्स्ट और थर्ड के लिए। तो ये इंटेंसिटी के लिए था बच्चों। उसके बाद बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऑर्डर लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों क्लियर है यहाँ से कि थर्ड और फोर्थ रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और फर्स्ट और सेकेंड के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर थर्ड एंड फोर्थ इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल
ऑफ फोर्थ, और कम है ये, लेस देन है किससे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फोर फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड का है, एंड इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सेकंड, यानी बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड का जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फोर्थ के बराबर है, लेकिन कम है ये किसके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड के भी इक्वल है, ये ग्राफ से क्लियर है। अब हम बच्चों फ्रीक्वेंसी के लिए ऑर्डर लिखते हैं, बच्चों फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो ऑर्डर सेम होने वाला है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना होता है, इट मीन्स बच्चों थर्ड और फोर्थ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड रेडिएशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ रेडिएशन, और फर्स्ट और सेकंड दोनों रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड, लेकिन बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फर्स्ट सेकेंड का वो ज़्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड फोर्थ से, इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो होगा फर्स्ट सेकेंड का वो ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रेडिएशन, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी।